बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। यार कुछ भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई अभी फ्लाइट्स का इंतज़ार करें या अजबाकिस्तान, कतर, कीनिया वगैरह के जो कंट्रीज कुछ हैं जी, जिनके वाई के साथ हम सऊदी अरबिया में भाई आ रहे हैं, किसी वाई के थ्रू आ जाएं। तो भाई मैं आपको इस के मतलब थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। अभी तक के जो हालात चल रहे हैं, आप भाइयों को यकीनन फ़ायदा होगा जी, अगर आप भाई सऊदी अरबिया में वाई के साथ आना चाहते हैं या आपको मेरे हिसाब से यार क्या करना चाहिए। पहली बात तो इस वीडियो में यही क्लियर कर दूं भाई मैं, कि जिन बंदों ने वाई के थ्रू सऊदी अरेबिया में आना था वो आ चुके जे। आगे गल समझे, वो बंदे सऊदी अरब से आ चुके जे। तुम सिर्फ चस्के लैन वाले जी, मैं सीधी साफ गल कर रही हूं, आप भाई सिर्फ अभी चस्के लेने वाले बचे हुए हैं, जो सीधी साफ बात है। मैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं दे रहा हूं। जिन बंदों ने वाई के थ्रू सऊदी अरेबिया में आना था वो भाई आ चुके हैं, और वो ज्यादातर उनमें वो बंदे हैं जिनके यहां पर काम अपने खुद के थे या भाई जॉब अच्छी थी। क्यों, मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूं भाई। अगर आप अजबाकिस्तान, कतर के थ्रू भी आते हैं तो आपका 3 से 4 लाख के अराउंड में पैसे लगते हैं। ये तो आपको पता होगा, जिसके मुताबिक आपने बहुत सी न्यूज अभी तक यूट्यूब के ऊपर देख ली होंगी। 3 से 4 लाख रुपए आपके लगते हैं। और एक जो झूठ बोला जा रहा है अवाम के साथ, अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है, बनाया जा रखा है, वो भी आपके साथ इसी वीडियो में क्लियर कर दूं कि भाई अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है, फाइजर की, एस्ट्राजेनेका वगैरह की या चाइना की, तो आपको भाई वहां पर 2 दिन रहना पड़ेगा। बंदा नितर लाल हुए, आप यार दिमाग नहीं है। सऊदी अरेबिया खुद से बोल रहा है कि ऐसा कोई भी बंदा जिन ममालिक के ऊपर फ्लाइट्स बंद हैं उनके अलावा किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो वहां पर 14 दिन से जायद का स्टे करे, उसके बाद सऊदी अरेबिया में आ सकता है। उस कंट्री में चाहे कंटाइन करे या ना करे, जो कुछ मर्जी करे, हमको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हमारी सऊदी अरेबिया में उस कंट्री से जिसकी फ्लाइट्स ओपन होंगी, वो बंदा आएगा उस कंट्री का जिसकी फ्लाइट बंद है वाई के थ्रू या नहीं, तो वो उस कंट्री में 14 दिन से जायद का स्टे किया हो उस बंदे ने, फिर सऊदी अरेबिया में इंटर हो सकता है। जी मेरे भाई, आप उस कंट्री में कंटाइन करें, जो भी करें आपकी मर्जी है, लेकिन पीसीआर टेस्ट आपका वहां पर भी लगेगा जब सऊदी अरेबिया में आप इंटर होंगे उस कंट्री से। उस टाइम यहां पर भी आपका रैपिड पीसीआर टेस्ट किया जाएगा और आपकी वैक्सीन की कंप्लीट वगैरह, डोज कंप्लीट वगैरह होंगी, आप सऊदी अरेबिया में इंटर हो सकें, कोई मुश्किल नहीं है। क्यों, उस कंट्री की फ्लाइट्स बहाल होंगी। अभी बात कर लेते हैं कि अगर फ्लाइट्स का इंतजार किया जाए तो भाई अभी बूस्टर के मुताबिक आपको पता है जी, चाइनीज वैक्सीन 2 डोज लगवाई हैं आपने, तो भाई परेशान थे कि सऊदी अरेबिया तो भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है इस वैक्सीन को, तो भाई बूस्टर भी लगना है पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 4 दिन में शुरू हो जाएगी। आप बूस्टर लगवाएं, आप ओके हैं जी, आपको सऊदी अरेबिया में कंटाइन नहीं करना होगा। यानी कि यहां पर आपको पता है कम 7 दिन 14 दिन या भाई ये तो जब फ्लाइट ओपन होगी उस टाइम ही कंफर्म किया जाएगा कितने दिन का कंटाइन होगा, आपको कितने लाख देना पड़ेगा कंटाइन का, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो बूस्टर लगवाएं, अगर आपने फाइजर एस्ट्राजेनेका लगवाई हुई तो बेस्ट है, वरना बूस्टर लगवाएं चाइना की लगवाई हुई है तो आपको सऊदी अरेबिया में कंटाइन ही नहीं करना होगा। उतने दिन वेट करें, यानी कि अगस्त का महीना भाई वेट कर लें। देखें, सऊदी गवर्नमेंट आपके इकामे छुट्टी बढ़ाएगी फिर से, ये कंफर्म बात है, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं होगी कि आपके इकामे अभी नहीं बढ़ाए जाएंगे, आपके इकामे छुट्टी बढ़ाई जाएगी। और आप भाई बूस्टर लगवाकर, चाइनीज वैक्सीन लगवाई हुई है आपने, तो आप सऊदी अरेबिया में आएंगे सीधा सिंपल, वहां से पीसीआर टेस्ट करवाएंगे, यहां पर उतरेंगे, यहां पर आपका पीसीआर टेस्ट होगा, 2-400-500 रियाल लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा, यही है ना, वरना अभी 230 रियाल में हो रहा है जनता में, तो आपका यहां पर पीसीआर टेस्ट हो जाएगा, आप सीधा भाई अपने काम पर चले जाएंगे। क्यों, आपने वैक्सीन कंप्लीट की हुई है। वाई के थ्रू जो बंदे आना चाहते थे आ चुके हैं, जैसा कि मैं आपको बता, जिन बंदों की 1,000-1,500 रियाल सैलरी है, 2,000 रियाल सैलरी है, यार वो वाई के थ्रू आकर क्या करेंगे, 4 लाख रुपए आप लगा रहे हैं, यहां पर आपकी सैलरी क्या है, आप एक साल वही पैसे कमाते रहेंगे, वही पूरे करते रहेंगे। आप भाई वेट करें सऊदी अरेबिया की फ्लैट्स खुलने का, यही बेस्ट है, आप वहां पर इंतजार करें, जब फ्लैट्स ओपन हो उस टाइम सऊदी अरेबिया में आए। जो वाई के साथ आ रहे हैं या आ चुके हैं वो भाई वो बंदे हैं जिनके अपने खुद से कारोबार है या अच्छी पोस्ट के ऊपर।